ओके, बारह लोग जुड़ चुके हैं अभी। वफरिंग और नो, क्या वफरिंग होने लगता है? ओके, अक्षय कुमार, गुंजा कुमारी, बोध कुमार, अभिजीत कुमार, ओके, सब लोग जुड़ रहे हैं। और जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एंटोमोलॉजी। जैसा कि आप लोग मुझे पुनः लाइव देख पा रहे हैं, और मैं बायोलॉजी के साथ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में आप लोगों को सबसे पहले जो है ना बतलाया गया था फाइकोलॉजी के बारे में। फाइकोलॉजी जो है आप लोगों को माइकोलॉजी के बारे में बतलाया गया था, और माइकोलॉजी के बाद आपका स्टार्ट किया गया ओरिनिथोलॉजी, और ओरिनिथोलॉजी के बाद जो है आज का टॉपिक है आपका एंटोमोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले गया था फाइकोलॉजी, उसके बाद बतलाए थे माइकोलॉजी, उसके बाद बतलाए थे ओरिनिथोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी कल ही स्टार्ट किया गया था, है ना। आज का टॉपिक एंटोमोलॉजी, है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ना। रश्मि राज, शिखा शर्मा, नंदन, रेखा, चलिए सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपका टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों का अध्ययन, यानी कि कीड़े मकोड़े का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो यहां पर आप लोग सबसे पहला फैक्ट याद रखेंगे एंटोमोलॉजी में, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स बोले तो कीट पतंगों का अध्ययन या कीड़े मकोड़े का अध्ययन, कीट पतंग या कीड़े मकोड़े का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो आप लोगों को बताए थे कल वाले वीडियो में कि इंसेक्ट्स जो है ना वो दो तरह का, एक को बताया गया था यूजफुल और एक को बताया गया था हार्मफुल इंसेक्ट। यानी कि कीट भी दो तरह का होता है, एक लाभदायक कीट बताया गया और एक हानिकारक। तो दोनों तरह के कीटों के बारे में आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो कल वाले क्लास वाला जो आपका फैक्ट था उसको हम लोग जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूजफुल इंसेक्ट के बारे में स्टार्ट किए थे, और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लिया गया था हनी बी के बारे में। हनी भी बोले तो मधुमक्खी, है ना, तो याद रखिएगा हनी भी बोले तो मधुमक्खी, और मधुमक्खी के बारे में आप लोगों को बात बतलाया जा रहा था सबसे पहले कि मधुमक्खी का प्रजाति जो है ना वो तीन होता है, और कौन कौन, तो वो तो आपको बतलाया गया था। तो सबसे पहला बतलाया थे आप लोगों को मेलिपोना हो गया, मेलिपोना
दूसरा बताए थे ट्राई डोना और बताया पीस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे कि हनी भी बोले तो मधुमक्खी, और मधुमक्खी का तीन प्रजाति बतलाया गया। मेलिपोना जो है ना वो यूएसए में प्रेजेंट होता है, ट्राइडोना जो है ना वो आपका साउथ अमेरिका। और एपिस जो है वो आपका इंडिया, भारत देश में। तो मेलिपोना जो है वो यूएसए और ट्राइडोना जो है वो साउथ अमेरिका और एपिस जो है ना वो इंडिया में। तो आपका इंडिया में पाए जाने वाले मधुमक्खी का टाइप जो है ना, प्रजाति जो है ना वो एपिस है, और एपिस प्रजाति से ही मधुमक्खी का पूरा कहानी याद करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला फैक्ट यहां पर याद रखिएगा, एपिस से ही आप लोगों को सब कुछ याद रखना है। सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा है ना, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, एपिस एपिस मेलिफेरा। तो याद रखिएगा, यहां पर हनीबी का वैज्ञानिक नाम बतलाया गया है एपिस मेलिफेरा, है ना। और एपिस मेलिफेरा याद रखिएगा कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। अब याद रखिएगा कि जहां पर मधुमक्खी को पालन करने लिए रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं एपियरी। जैसे कि आपको पक्षियों के बारे में बतलाया गया था एवियरी, तो पक्षी के बारे में एवियरी, तो मधुमक्खी के बारे में याद रखना है एपियरी, है ना। तो याद रखना है द प्लेस, द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी। अब एपियरी, एपी वर्ड से ही आपका पूरा पूरा कहानी चल रहा है, क्योंकि मधुमक्खी का एपिस टाइप जो है ना वो इंडिया में प्रेजेंट होता है। तो एपिस वर्ड से ही आपका मधुमक्खी का पूरा पूरा कहानी क्लियर करवाया जा रहा है ना। तो इसी से रिलेटेड याद रखिएगा कि जहां पर मधुमक्खी को पालन करने के लिए रखा जाता है एपियरी कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन क्या कहा जाएगा जी। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी का पालन एपिस, एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन जो है वो क्या बोला जाता है, तो एपी कल्चर। चलिए नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक नाम क्लियर कर दिया गया एपिस मेलिफेरा, जहां पर मधुमक्खी को पालन करने के लिए रखा जाता है एपियरी, और मधुमक्खी का पालन जो है वो एपी कल्चर। तो उसके बाद याद रखना है आप लोगों को कि मधुमक्खी का अध्ययन, यानी आप लोग याद रखेंगे स्टडी ऑफ हनीबी इज कॉल्ड एपियोलॉजी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉगी जो वर्ड है ना वो आपका लोगोस वर्ड से आया है, है ना। यहां पर जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि बायोलॉजी वर्ड जो है वो आपका दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला वर्ड बताया गया है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है कि जीवन का है ना अध्ययन ही जो विज्ञान कहलाता है। तो लॉगी जो वर्ड है ना वो लोगोस वर्ड से आया है ना। जहां पर लॉगी जो वर्ड होगा वो स्टडी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग मधुमक्खी का अध्ययन कर रहे थे, तो एपी वर्ड से ही आपका पूरा पूरा कहानी चल रहा था। तो एपिस टाइप जो इंडिया में प्रेजेंट होता है, तो एपिस टाइप से रिलेटेड आपको बताया गया स्टडी ऑफ, है ना।
हेलो। हाँ प्रणाम भैया। नहीं नहीं अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, बोलिए जल्दी। ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब ठीक है, बफरिंग अभी भी हो रहा है, कोई रिप्लाई दीजिए जल्दी। चलिए ठीक है। अभी बफरिंग हो रहा है? नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है ना, थोड़ा लॉकडाउन के कारण है। मैं अपने गांव में हूँ अभी और यहीं से आप लोगों का लाइव क्लास सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आफ्टर लॉकडाउन अभी क्लास वगैरह तो स्टार्ट होने में बहुत लेट होगा ऑफलाइन, तो अभी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास ही दिया जाएगा मेरे द्वारा। तो है ना, गया से आप लोगों का सिस्टम बेहतर होगा यहाँ के बनिस्पत। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग देख रहे थे है ना मधुमक्खी के बारे में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मधुमक्खी का अध्ययन जो है ना वो एपियोलॉजी कहलाता है। अब इसके बाद आप लोगों को कहानी बतलाया जा रहा था, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब बतलाया जा रहा है ना हनी बी डांस के बारे में। हनी बी डांस के बारे में, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हनी बी डांस यानी कि डांस जो है ना वो दो तरह का होता है। पहला याद रखिएगा राउंड, और दूसरा जो है वो रीगल। ठीक है, तो हनी बी डांस जो है वो दो तरह का है ना, राउंड एंड रीगल। तो यहां पर समझना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हनी बी जो है ना उसका तीन प्रजाति और तीन जाति होता है। तो हनी बी का तीन प्रजाति और तीन जाति भी बतलाया जा रहा है ना। सबसे पहले जाति में देखिएगा, सबसे पहला क्वीन, उसके बाद जो है ड्रोन, और उसके बाद जो है वर्कर। तो हनी बी का तीन जाति बतलाया जा रहा है, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। ठीक है, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। तो इसमें आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, है ना, एक फैक्ट याद रखिएगा कि क्वीन, ड्रोन और वर्कर है ना में से हनी का फॉर्मेशन जो है वो ड्रोन के द्वारा किया जाता है।
अब देखिएगा कि यहाँ पर दो तरह का जो राउंड डांस और रियल डांस बताया गया है, तो इसका प्रोसेस समझिएगा कि वर्कर जो है ना वो फूलों का पता लगाता है ना, और फूलों का पता लगाता है, उसके बाद ड्रोन जो है ना फूलों को रसों को सक करने के लिए जाता है ना, जूसी मटेरियल्स को सक करने के लिए जाता है। तो जब फूलों से दूर होता है ना तो वो राउंड डांस करते हुए जाता है ना, और जब नजदीक आता है तो वो जो है ना रियल डांस करने लगता। तो ये दो तरह का डांस बतलाया जा रहा है ना। तो राउंड एंड रीगल डांस से रिलेटेड आपको फैक्ट पूछा जाता है कि जब फूलों से दूर होगा तो राउंड डांस करेगा और जब पास पास होगा ना तो रीगल डांस करता है। ठीक है, लो सेटिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, राउंड एंड रीगल डांस जो है वो आप लोगों को बतला दिया गया। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ड्रोन ही जो है ना वो हनी का फॉर्मेशन करता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि हनी बी से जो है ना हनी का फॉर्मेशन होता है, और हनी का टेस्ट जो है ना वो स्वीट होता है ना, और स्वीट किसके कारण होता है तो याद रखिएगा फ्रुक्टोज के कारण। ठीक है, और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और फ्रुक्टोज जो है ना पूरे सैकराइड में सबसे मीठा सैकराइड होता है, और आपके बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ना वो आप लोग को फ्रुक्टोज से ही मिलता है। तो आपको पता चल गया कि हनी बी से जो है ना हनी का फॉर्मेशन होता है, हनी का टेस्ट जो है ना स्वीट होता है, और स्वीट किसके कारण होता है तो फ्रुक्टोज के कारण होता है, और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या बता दिया गया C6H12O6। अभी ठीक चल रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं दिख रहा है, अब देखिएगा यहां पर डियर स्टूडेंट्स हनी बी डांस के बारे में बताया गया है। तो हनी बी डांस यानी कि हनी बी जो है ना वो एक प्रकार का जंतु ही है, एनिमल का है पार्ट। तो जंतु के व्यवहार का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इथोलॉजी। याद रखिएगा कि जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन जो है ना वो इथोलॉजी कहलाता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद करवाया जा रहा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इथोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा कि जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन जो है ना वो इथोलॉजी कहलाता है ना, यानी मानव सहित जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता, और जंतु के व्यवहार के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कार्ल वॉन फ्रिश थे, है ना। तो याद रखिएगा कि जंतुओं के व्यवहार के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे, तो कार्ल वॉन फ्रिश। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हनी बी डांस के बारे में जो पता है ना वो कार्ल वॉन फ्रिश के द्वारा लगाया गया था।
है ना, हनी बी डांस के बारे में जो है ना वो कार्बन फ्रीज के बारे में है ना, कार्बन फ्रीज के द्वारा जो है ना पता लगाया गया था। तो हनी बी डांस के बारे में कार्बन फ्रीज ने पता लगाया, यानी हनी है ना, हनी बी डांस के कारण यानी कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है ना सर्वप्रथम जो है ना कार्बन फ्रीज के द्वारा किया गया, और जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन जो है वो इथोलॉजी कहलाता है, इसीलिए फादर ऑफ इथोलॉजी कार्बन फ्रीज को बोला गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इथोलॉजी जो है वो कार्बन फ्रीज को बोला गया है ना। तो याद रखिएगा, कार्बन फ्रीज को बताया गया है फादर ऑफ इथोलॉजी। अब लास्ट टर्म में आप लोग हनीबी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हनीबी सिचुएटेड एट पुणे महाराष्ट्र याद रखिएगा कि केंद्रीय है ना अनुसंधान संस्थान मधुमक्खी का कहां स्थापित किया गया है, तो पुणे, और पुणे जो है कहां है तो महाराष्ट्र में है। और आप लोग को याद रखना है कि हनी का प्रोडक्शन जो है ना पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपका है ना पुणे महाराष्ट्र याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को एक बार एक मिनट रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आज के टॉपिक में आप लोगों का एंटोमोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया गया। एंटोमोलॉजी टॉपिक में आप लोगों को बताया गया है ना स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, और इंसेक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताए थे यूजफुल इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट। तो यूजफुल इंसेक्ट में सबसे पहले हनीबी का एग्जांपल लिया गया, और हनीबी के बारे में बता रहे हैं कि हनीबी का है ना प्रजाति जो है ना तीन होता है, और जाति भी तीन होता है। तो प्रजाति में कौन कौन होता है, तो एक बताया गया है ना मेलिफोना, दूसरा बताया गया है ना ट्राइडोना, और तीसरा बताया गया एपिस। तो मेलिफोना जो है ना यूएसए में प्रेजेंट होता है, ट्राइडोना जो है ना साउथ अमेरिका, और एपिस जो है ना इंडिया। तो आपको बताया गया था कि हनीबी का वैज्ञानिक नाम जो है ना एपिस मेलिफेरा, और मधुमक्खी को पालन करने के लिए जिस जगह पर रखा जाता है उसको एपियरी कहा गया, और मधुमक्खी का पालन जो है ना एपिकल्चर कहा गया। उसी तरह से मधुमक्खियों का अध्ययन जो है ना एपियोलॉजी कहलाया। उसके बाद बतला रहे थे हनीबी डांस के बारे में कि हनीबी डांस जो है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है, राउंड एंड रीगल। तो आपको बताया गया कि मधुमक्खी का डांस जो है ना दो तरह का, राउंड और रीगल हुआ, कब, तो याद रखिएगा जब मधुमक्खी फूलों से दूर होता है तो वो है ना राउंड डांस करता है, और जब पास पास होगा तो रीगल डांस करेगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हनीबी से जो है ना हनी का फॉर्मेशन होता है, और हनी का टेस्ट जो है ना स्वीट होता है, ठीक है, और स्वीट किसके कारण होगा, तो फ्रुक्टोज के कारण, और फ्रुक्टोज जो है ना फ्रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और आपको यह भी बताया गया कि हनीबी का तीन जाति क्वीन, ड्रोन, वर्कर, और क्वीन ड्रोन वर्कर में से आपका ड्रोन जो है ना वो हनी का फॉर्मेशन करता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल यानी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन जो है ना इथोलॉजी कहलाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हनीबी डांस के बारे में जो है ना कार्लवान फ्रीस ने पता लगाया था, सबसे पहले जंतुओं के व्यवहार के बारे में कार्लवान फ्रीस ने पता लगाया था, और जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन जो है वो इथोलॉजी कहलाता है, इसलिए फादर ऑफ इथोलॉजी जो है ना कार्लवान फ्रीस को बताया गया। किसको बताया गया, कार्लवान फ्रीस को बताया गया, ठीक है। लास्ट टाइम में बताया गया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हनीबी सिचुएटेड एट पुणे महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार यस 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 कमेंट्स कीजिए जल्दी में फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेरिकल्चर। ओके,
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब टॉपिक चेंज किया जा रहा है। अब ध्यान देंगे आप लोग आगे। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना। सबसे पहले तो आप लोग को बताया गया हनी बी के बारे में। अब हनी बी के बाद जो है ना आप लोग का कहानी स्टार्ट हो रहा है ना, सेरिकल्चर। अब नाम से स्पष्ट है, सेरी बोले तो सिल्क और कल्चर बोले तो खेती करना। तो याद रखिएगा सेरी का मतलब बतलाया जा रहा है सिल्क, और कल्चर का मतलब होता है ना। तो याद रखिएगा कि सिल्क का प्रोडक्शन जो है, यानी सिल्क बोले तो रेशम। अब इसका कहानी ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप लोग। तो याद रखिएगा सेरिकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है, और रेशम का उत्पादन किया जाता है किस तरह के कीट से, तो रेशम के कीट से। और रेशम को कीट को हम लोग बोलते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेरिकल्चर से रिलेटेड होगा आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है। और सिल्क वॉर्म से रिलेटेड याद रखिएगा आप लोग कि सिल्क वॉर्म का बच्चा होता है जिसका नाम है कैटरपिलर। और कैटरपिलर जब मैच्योर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपा। और प्यूपा जो है ना, वो आपको याद होना चाहिए कि ये शहतूत के पौधे पर निर्भर रहता है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेरिकल्चर में हम लोग सिल्क का प्रोडक्शन करेंगे, और सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो आपका सिल्क वार्म से होगा, और सिल्क वार्म का बच्चा का नाम है कैटरपिलर, और कैटरपिलर जब मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं प्यूपा, है ना। और प्यूपा जो है वो शहतूत का पौधा पर निर्भर रहता है। तो याद रखिएगा शहतूत का पौधा, तो शहतूत का पौधा का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ना, सर्वाधिक उत्पादन जो है ना कर्नाटक स्टेट में होता है। याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक राज्य में होता है, और शहतूत का उत्पादन जो है ना वो आपका मोरी कल्चर कहलाता है। याद रखिएगा, नोट में बतला दिया जा रहा है। शहतूत का उत्पादन कहलाता है मोरी कल्चर। तो याद रखिएगा सेरिकल्चर में रेशम का उत्पादन, मोरी कल्चर में शहतूत का उत्पादन, है ना। तो सिल्क वर्म के बच्चा का नाम बतलाया गया कैटरपिलर, और कैटरपिलर जब मैच्योर होता है तो प्यूपा, और प्यूपा जो है ना शहतूत के पौधे पर निर्भर रहता। तो शहतूत के पौधे के पत्तियों के रसों को जब चूसता है यानी सक करता है, तो उसके अंदर यानी उसके शरीर के अंदर जब जाता तो वो टॉक्सिक मटेरियल बन जाता, जहरीला पदार्थ बन जाता, और वो जो है ना उसको उगलना चाहता है, वोमिट करना चाहता है। तो हम लोग की तरह बड़ा मुख है नहीं कि एक बार है ना वोमिट कर दिए, ठीक है। उसका एंटीना होता है, तो उस एंटीना के सहारे अपने सिर को जो है ना वो लगातार 6 दिनों तक हिलाते रहता है, और हिलाने के दौरान उसके एंटीना से जो जूसी मटेरियल निकलता है, तो वो जब वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो वायुमंडल के संपर्क में आने पर वो हार्ड हो जाता है, धागे के रूप धागे नुमा संरचना तैयार हो जाता है, और वो धागे नुमा संरचना तैयार होने के कारण वो आपका उसके प्यूपा के चारों ओर जो है ना लिपटते चला जाता। और ऐसा मान्यता प्राप्त है कि एक प्यूपा के शरीर के ऊपर 1000 मीटर है ना रेशम के धागे नुमा संरचना बना हुआ होता है। तो रेशम उत्पादक किसान जो होते हैं ना,
है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूपा के चारों ओर जो है ना रेशम नुमा धागा के जैसा संरचना लिपट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोकून। ठीक है, तो याद रखिएगा सिल्क वर्म का बच्चा का नाम कैटरपिलर, कैटरपिलर का है ना जब मैच्योर हो जाता है तो प्यूपा और प्यूपा की चार ओर धागे नुमा संरचना जब लिपटा हुआ रहता है उसको कोकून, और कोकून को याद रखिएगा कि रेशम उत्पादक किसान जो होते हैं ना वो कोकून को जो है ना पूरा बड़े बर्तन में गर्म पानी करते और उसमें कोकून को डाल देते है ना, प्यूपा मर जाता और उसके ऊपर से धागे नुमा संरचना को निकाल कर उसका प्यूरिफाई करके रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो आपको यहां पर जो स्टोरी बतलाया गया है ना प्यूपा से रिलेटेड वो समझ में आया? पूजा फ्यूचर आई एसआई दरोगा, वह पूजा रॉक ही बोल रहे हैं ना, पूजा फ्यूचर एसआई दरोगा। ओके प्रियंका, खुशबू आप भी वो आईएस बैच, ये एसआई बैच के स्टूडेंट है ना। गुंजा ठीक है, ऑरेंज सिंह कौन से ब्रांच से? अंकेश मेहरा, ओके एपी कॉलोनी है ना अंकेश। ओके अंकेश, समझ में आ रहा है बाबू अंकेश? और अपने बैच के सारे स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को बताया जा रहा था है ना कि सेरिकल्चर में सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, और सिल्क का प्रोडक्शन जो है ना सिल्क वॉर्म से, और सिल्क वॉर्म जो है ना शहतूत के पौधे पर निर्भर रहता है, और शहतूत का उत्पादन क्या बताया गया? तो बताया गया मोरी कल्चर है ना, बताया गया मोरी कल्चर। और आपको बताया गया कि कैटरपिलर का जो बच्चा होता है उसको प्यूपा बोला जाता है, और प्यूपा के ऊपर चारों ओर से धागे नुमा संरचना तैयार होता है तो उसको कोकून बोलते हैं, और रेशम उत्पादक किसान जो होते हैं वो कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं और हजारों ऐसा कोकून होते हैं है ना, और उसके ऊपर है ना उसके ऊपर जो है धागे नुमा संरचना जो तैयार होता है उसको निकाल कर प्यूरिफाई कर है ना रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि शहतूत का उत्पादन जो है ना कर्नाटक स्टेट में हो रहा है, और शहतूत के पौधे पर जो है ना आपका कैटरपिलर जो है ना वो डिपेंडेंट है, तो रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होगा? तो कर्नाटक स्टेट में होगा। ओके तो याद रखिएगा कि रेशम का उत्पादन ठीक है, रेशम का उत्पादन जो है ना कर्नाटक स्टेट में होगा। चलिए तो याद रखिएगा कि यहां पर शहतूत का उत्पादन जो है ना मोरी कल्चर बताया गया, इसीलिए सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम भी इसी से रिलेटेड होगा है ना, याद रखिएगा बॉम्बेक्स मोरी। सिल्क वर्म का है ना जूलॉजिकल नेम क्या बताया गया? बॉम्बिक्स मोरी, वेरी गुड है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं लैक कल्चर। चलिए ध्यान दीजिएगा, लैक का मतलब होता है लाह, मतलब लाह का उत्पादन, ठीक है? और लाह का उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा आपका कहां होता है? तो झारखंड राज्य में होता है, ठीक है? तो लैक कल्चर में मतलब लाह का उत्पादन, और लाह का उत्पादन जो है ना आपका झारखंड, झारखंड में होता है, ठीक है?
तो लैक कल्चर में लाख का उत्पादन होता है, लाख का उत्पादन जो है झारखंड राज्य में होता है, और लाख का उत्पादन जो है ना किस कीट से होता है जी, तो याद रखिएगा लाख का कीट। अब याद रखिएगा कि लाख का कीट से लाख का उत्पादन होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना चूड़ी, और चूड़ी के ऊपर जो है ना सजाया हुआ रहता है बुंदा बुंदा टाइप का, है ना, वो आपका लाह है, लाह तो चूड़ी और बाला है ना, तो चूड़ी उद्योग में जो है ना आपका लाह का है ना प्रयोग किया जाता है, और लाह का उत्पादन जो है वो आपका झारखंड राज्य में होता है ना, झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में भी आपका इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, है ना, तो याद रखिएगा केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान का नाम बतलाया जा रहा है नामकुम। अब नामकुम कहां है जी, तो रांची है, झारखंड का सबसे गर्म स्थल रांची, अभी झारखंड में सबसे गर्म जो है ना वो रांची होगा, ठीक है, जैसे आपका बिहार में गया है, ठीक है। तो केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका रांची में है ना, और रांची में भी किस जगह में, तो नामकुम जगह है, नामकुम, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लैक कल्चर स्टार्ट किया गया था, और लैक कल्चर में बताया जा रहा है लाह का उत्पादन किया जाता है, और लाह का उपयोग जो है ना चूड़ी उद्योग में किया जाता है, ठीक है। लाह का उपयोग जो है चूड़ी उद्योग में किया जाता है। लाइट भी जो है ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाह का उत्पादन जो है वो झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा होता है, और लाह का कीट से ही लाह का उत्पादन होता है, और लाह का उपयोग जो है यानी प्रयोग चूड़ी उद्योग में होता है, मतलब चूड़ी बनाने में होता है, और केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है ना नामकुम में है, और नामकुम कहाँ है जी, तो रांची में है। रांची किसकी राजधानी है जी, झारखंड की, है ना। झारखंड के सबसे गर्म स्थल कौन है जी, तो रांची है। रांची किस रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर जो है ना कर्क रेखा गुजरी है ना। तो झारखंड राज्य की राजधानी एक रांची एक ऐसे राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कर्क रेखा पर स्थित है, कहने का मतलब कि रांची जगह से ही कर्क रेखा गुजरी है। तो भारत के बीचों बीच यानी कि 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा पर भारत की एकमात्र राज्य की राजधानी आपका रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड राज्य की सबसे गर्म स्थल जो है ना वो आपका रांची है, जैसे कि बिहार का आपका गया, तो बिहार का सबसे गर्म भी गया और सबसे ठंड भी गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, लैक कल्चर समझ में आया। ओके पूजा, वेरी गुड। हाँ, वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछता है इसका, है ना, कि लाह का कीट का वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा केरिया लैका, जो क्लास किए होंगे उनको याद आ रहा होगा, है ना, कि लाह का कीट का वैज्ञानिक नाम जो है वो केरिया लैका, और याद रखिएगा कि रेशम का कीट का वैज्ञानिक नाम बतलाया गया आप लोगों को बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। तो मोरी जो वर्ड है वो शहतूत उत्पादन से संबंधित आपका लिया गया, है ना, तो आपका मोरी कल्चर। तो एक ध्यान दीजिएगा कि मोरी कल्चर में शहतूत का उत्पादन और इसी शब्द से संबंधित एक शब्द है मारी कल्चर, तो एक वर्ड आप लोगों को बताया जा रहा है मारी कल्चर। ध्यान दीजिएगा मारी कल्चर, तो देखिएगा यहां पर कि मारी कल्चर में याद रखिएगा समुद्री
समुद्री या जलीय जीवों का पालन मारी कल्चर। तो मोरी कल्चर में सहतूत का उत्पादन किया जाता है और सहतूत का उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा कर्नाटका स्टेट में, और सहतूत के ऊपर जो है ना सिल्क वॉर्म डिपेंडेंट होता, और सिल्क वॉर्म का वैज्ञानिक नाम बताया गया है बॉम्बिक्स मोरी, है ना। उसी तरह से आपको बताया गया है ना ब्लैक कल्चर में, है ना, लाह के कीट के बारे में। तो लाह का कीट का वैज्ञानिक नाम बताया गया आपको केरिया लैक का, है ना। अरे बाबा बहुत तेज हवा बह रही है ना, आज का तापमान भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ठीक है, तो लाह का कीट का वैज्ञानिक नाम क्या याद हो गया, केरिया लैक का। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि लैक कल्चर के बाद हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट कीट के बारे में, और ना इंसेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रॉन। प्रॉन बोले तो झींगा, ठीक है। आप लोग का बीच में रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को डायरेक्शन है ना पढ़ा हुआ है तो उनका तो रिवीजन होगा ही होगा, और जो मतलब नहीं पढ़े हैं तो उन तक ये मैसेज जो है ना ज्यादा पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ताकि उनका डायरेक्शन टॉपिक क्लियर हो सके। चलिए तो अब आप लोग बता रहे हैं प्रॉन के बारे में, यानी झींगा के बारे में। तो अब समझिएगा कि झींगा यानी कि प्रॉन, तो प्रॉन यानी कि झींगा जो है ना वो मछली नहीं है, एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है। तो याद रखिएगा कि प्रॉन, प्रॉन जो है ना वो फिश नहीं है, एक टाइप का इंसेक्ट्स है। प्रॉन जो है वो फिश नहीं है, एक टाइप का इंसेक्ट्स है। और इसमें याद रखिएगा है ना कि ये किस फैमिली, किस फाइलम में आता है, तो याद रखिएगा किस संघ में आता है, तो ऑर्थ्रोपोडा। आगे आप लोगों को बताएंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी उसमें प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा, एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा, और उसमें जानकारी आप लोगों को विस्तार से दिया जाएगा कि किस किस तरह से आपका प्लांट को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और किस किस तरह से जो है ना एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में आफ्टर डायरेक्शन टॉपिक, है ना। ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्लियर करने के बाद जो है ना डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन आफ्टर जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसमें आपका आएगा ऑर्थ्रोपोडा, बट अभी आप लोग इतना ही याद रखिए कि प्रॉन जो है ना वो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। और आपको एक बात की जानकारी और दे देते हैं कि जंतु जगत के है ना सबसे बड़ा अगर संघ है तो वो है ऑर्थ्रोपोडा। इसमें 19 लाख प्राणियों का संकलन है, 19 लाख तरह का, 19 लाख नहीं संख्या नहीं, 19 लाख तरह का प्राणी इसमें संकलित है। तो पूरे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपका ऑर्थ्रोपोडा, और आपका प्रॉन जो है ना झींगा जो है ना वो ऑर्थ्रोपोडा संघ में आता है। ऑर्थ्रोपोडा यानी मुख्य रूप से जलीय होगा, जल में होगा, समुद्र में होगा। तो याद रखिएगा प्रॉन जो है ना वो फिश नहीं है, वो एक टाइप का इंसेक्ट है। तो यहां पर आप लोग एक अगला फैक्ट याद रखिएगा कि प्रॉन का प्रोडक्शन यानी कि झींगा का उत्पादन जो है ना वो खारा पानी में होता है। ठीक है, झींगा का उत्पादन खारा पानी में। तो आप लोग जरा सोचिए भाई कि खारा पानी जो है ना वो तो समुद्र का ही होगा, या वैसा झील
जिसमें समुद्र का या सागर का पानी मिला हुआ हो वही तो खारा पानी होगा ना। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में झींगा का उत्पादन जो है ना वो उड़ीसा राज्य के चिल्का झील में होता है। अब ध्यान देंगे, यहां पर एक डायग्राम शो किया जा रहा है ना, साउथ इंडिया का। ध्यान दीजिएगा, ये साउथ इंडिया का पार्ट को इंडिकेट किया गया है। तो यहां पर एक स्टेट आप लोग बतला रहे हैं जिसका नाम है ओडिशा, और यहां पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, ये आपका झील बतलाया जा रहा है जिसका नाम है तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, कि ये आपका चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में है। और ये चिल्का झील का जो जल है वो आपका बंगाल की खाड़ी के जल से मिला जुला है, और बंगाल की खाड़ी जो है ना वो हिंद महासागर का भाग है। तो हिंद महासागर का जल जो है ना खारा होगा, बंगाल की खाड़ी का जल जो है खारा होगा, और उसका जल जो है ना चिल्का झील से मिला जुला है, इसीलिए चिल्का झील का जल भी खारा होगा। और आपको ये याद रखना होगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है ना वो चिल्का झील है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, लेकिन सर्वाधिक लवणता वाला है ना झील आपका कौन है, तो सांभर झील जो कि राजस्थान राज्य में है। किंतु सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है ना वो आपका चिल्का झील है, और खारे पानी में जो है ना झींगा का उत्पादन होता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा झींगा का उत्पादन कहाँ होगा, चिल्का झील उड़ीसा में, है ना। झींगा का उत्पादन सबसे ज्यादा किस पानी में होता है, खारा पानी में, यानी कि याद रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, आप लोग को याद हो रहा है इतना, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि झींगा का उत्पादन जो है ना वो आपको बतला दिया गया चिल्का झील उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा की पौराणिक राजधानी आपका कलिंग, उसके बाद फिर कटक, और अभी आपका भुवनेश्वर है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर कि झींगा जो है ना वो फिश नहीं है, मछली नहीं है, वो इंसेक्ट है, कीट है, और इसका जो है ना खाने में प्रयोग करते हैं लोग, बट है तो इंसेक्ट। और इसमें बताया गया कि इसका संघ जो है ना ऑर्थोपोडा है, लेकिन इसका फैमिली जो है ना वो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि झींगा किस फैमिली में आता है, तो याद रखिएगा क्रिटेशियन फैमिली। उसका फैमिली का नाम क्या बतला दिया गया, क्रिटेशियन, है ना, क्रिटेशियन। झींगा किस फैमिली में आता है, क्रिटेशियन। और यह हाल फिलहाल के जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि झींगा का, है ना, फैमिली का नाम क्या है, क्रिटेशियन, बार बार बताया जा रहा है क्रिटेशियन। संघ होगा ऑर्थ्रोपोडा, कहाँ होगा उत्पादन, खारा पानी में, भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में कहाँ, तो चिल्का झील, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिएगा यहां पर अब लास्ट में आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को बताया जा रहा था झींगा यानी प्रॉन के बारे में,
फजिंगा यानी प्रॉन के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था, तो एक क्वेश्चन आता है कि झींगा का उत्पादन जो है ना वो तो उड़ीसा राज्य में होता ही है, चिल्का झील में होता ही है, तो झींगा उत्पादन क्या कहलाता है, है ना? जैसे आप लोगों को बताया गया ना, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, है ना? तो उसी तरह से झींगा का उत्पादन क्या कहा जाएगा, है ना? तो झींगा का उत्पादन जो है वो कहलाएगा पिंक रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्रांति, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुलाबी क्रांति से संबंधित कि झींगा का उत्पादन जो है ना गुलाबी क्रांति कहलाया, और गुलाबी क्रांति केवल झींगा ही नहीं, झींगा, प्याज और दवा तीनों से संबंधित है। तो पिंक रिवॉल्यूशन जो है ना वो याद रखिएगा, झींगा, प्याज और दवा, ये तीनों से उत्पादन से संबंधित जो है ना आपका पिंक रिवॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन आया कि झींगा के उत्पादन में आपका, और ये आया हुआ है भाई एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झींगा है ना आपका पिंक रिवॉल्यूशन संबंधित है, और ऑप्शन था है ना झींगा, प्याज, दवा, इनमें सभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना केवल झींगा क्लिक करके आ गए, किंतु उसका आंसर जो है ना ऑल ऑफ दिस होगा, है ना, ऑल ऑफ दिस, प्रॉन, ऑनियन एंड मेडिसिन, पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू प्रॉन, ऑनियन, मेडिसिन। तो आपका ऐसे ऐसे सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिएगा कि प्रॉन का प्रोडक्शन जो है ना वो तो आपको बता दिया गया, चिल्का लेक ओडिशा खारा पानी में होता है, इसका फैमिली का नाम बताया गया क्रिटेशियन, इसका संघ बताया गया ऑर्थोपोडा, और इसके उत्पादन से संबंधित आपका पिंक रिवॉल्यूशन बताया गया, गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति झींगा के उत्पादन से ही केवल नहीं, झींगा, प्याज और दवा तीनों के उत्पादन से संबंधित आपका पिंक रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बतलाया गया आज के वीडियो में इंटेमोलॉजी के बारे में, और आप लोगों का कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे है ना साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, और सेल के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी दिया जाएगा बेसिक, है ना। तो साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स कल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद एक मिनट हम लोग फिर बातचीत करेंगे लास्ट टाइम। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग दो मिनट और बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी में। अभी दो मिनट और है, माजा पिएगा, आ जाओ तुम भी मिल लो। हाय कर दो हाय। देखिए डेली आप लोग का लाइव क्लास में मेरे साथ बना रहता है ना, इसको आज माजा पीना है ना, बोल दो कि ध्यान से पढ़िए आप लोग। मेरा भाई है छोटा सा, है ना, हमेशा मेरे साथ भी बना रहता है। चलिए ठीक है, अभी दो मिनट और रुकना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बतला रहे थे है ना एंटोमोलॉजी के बारे में, और एंटोमोलॉजी के बारे में आप लोगों को सबसे पहले हनीबी के बारे में बताया गया। हनीबी का है ना जूलॉजिकल नेम बताया गया था एपिस मेलिफेरा,
उसके बाद आप लोगों को बतलाया गया हनीबी से रिलेटेड, हनीबी का स्टडी जो है एपियोलॉजी कहलाता है ना, मधुमक्खी का पालन जो है वो एपिकल्चर कहलाता है, और जहां पर मधुमक्खी को रखा जाता है उसको एपियरी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हनीबी के बाद जो है ना हम लोग बतला रहे थे कि हनीबी से जो है ना हनी का प्रोडक्शन होता है, हनी का टेस्ट जो है ना स्वीट होता है फ्रुक्टोज के कारण, उसमें कीटोन ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज जो है ना वो सबसे ज्यादा फ्रूट में प्रेजेंट होता है, और सर्वाधिक जो है ना आपका मीठा यानी स्वीटेस्ट सैक्राइड जो है आपका फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज से ही आपके बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। सैक्राइड में सबसे ज्यादा किस सैक्राइड से एनर्जी आप लोगों को मिलता है, तो फ्रुक्टोज से, ठीक है ना। आप चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, तो उसमें भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ना फ्रुक्टोज से आप लोगों को मिलता है। तो उसके बाद जो है ना हनीबी के बाद जो है आप लोगों को बताया गया सेरिकल्चर, सिल्क वार्म के बारे में, और सिल्क वार्म जो है ना वो शहतूत के पौधे से संबंधित है, शहतूत का पौधा का उत्पादन मोरी कल्चर कहलाया, और मोरी कल्चर से रिलेटेड एक और वर्ड बताया गया मारी कल्चर, और मारी कल्चर जो है ना समुद्री जीव या आपका जलीय जीवों का पालन मारी कल्चर कहलाता है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया लैक कल्चर, लैक कल्चर से रिलेटेड आप लोगों को बताया गया लाह के बारे में, और लाह के कीट से लाह का उत्पादन किया जाता है, और लाह का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है ना झारखंड राज्य में होता है, इसलिए आप लोगों को बताया गया केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है ना नामकुम रांची में है। उसके बाद आप लोगों को बता रहे थे प्रॉन के बारे में, प्रॉन का प्रोडक्शन जो है ना ओडिशा स्टेट यानी चिल्का लेक में होता है, ठीक है। और प्रॉन जो है ना वो फिश नहीं है, इंसेक्ट है ना। और प्रॉन का प्रोडक्शन से रिलेटेड आप लोगों को बताया गया पिंक रिवॉल्यूशन, और पिंक रिवॉल्यूशन जो है केवल प्रॉन से नहीं, प्रॉन ओनियन एंड मेडिसिन, ओनियन का प्रोडक्शन जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना महाराष्ट्र में पुणे नासिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे फैक्ट को आप लोगों को संभवतः याद करवाने का कोशिश किया गया, और आप लोगों से आशा है ना कि आप लोग इसको याद भी करेंगे और इसको नोट भी करेंगे कॉपी पर, है ना। तो इसी तरह से आप लोग बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके, गुड बाय। हाँ चल रहे हैं, कहाँ चले के नजर पिए, मजा पीने चलेगा, ठीक है, गाड़ी चलो भैया पापा।